हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। और आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5। और आप सोच रहे होंगे माइकल ऐसे छुपा क्यों हैं, तो गाइस आज मैंने एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया है, तो जो आपको मैं बता देता हूँ गाइस कि ये सामने मेरी गाड़ी खड़ी है और आज जो लॉस सैंटोस में हमारे प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं गाइस। तो जैसे कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और कितनी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, तो गाइस आज वही चुराने वाले हैं हम। तो उसे सोचते ही मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है जो आपको मैं आगे दिखाते चलूँगा। और गाइज आप भी बताना है कि PM की कार चुराना कैसा मजाक तो है नहीं गाइज, आपको पता है। जैसे कि तो यहाँ से थोड़ी सी ही दूर पे जहाँ PM रुके हुए हैं, जहाँ पे PM की मीटिंग है, वहीं पे गाइज जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ इन पहाड़ों में इसलिए आते हैं क्योंकि थोड़ा सिक्योर रहते हैं पहाड़। और गाइज मैं बता दूँ, एक सिक्योरिटी है उस प्लेस पर, और एक कोई कार्ड जैसा है उसमें, एक वैलिड कार्ड टाइप है उसमें, जिस बंदे को दिया गया है वो केवल वही एंट्री कर सकता है उस एरिया में, 1 से 1.5 किलोमीटर एरिए में। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई रखी है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं गाइस सड़कों का काम भी चला हुआ है इधर, क्योंकि पता है आपको जब सरकारी कोई काम हो, सरकारी बंदा आता है कोई, तो सरकारी काम ही होते हैं गाइस। थोड़ा सा रास्ता और बाकी है, मैं फिर आपको बताता हूँ। मैंने वेपन भी काफ़ी सारे ले रखे हैं, मैंने एक स्नाइपर ले रखी है और एक AKM और एक पिस्टल है मेरे पास। मैं आपको आगे चल के अपनी गन्स भी दिखा दूंगा मैं कि कौन कौन से मैंने पिक करके रखी हैं गन। और तो गाइज मैं आपको पहले गन दिखाता हूँ, साइड में रोक के गन निकाल के दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी गन है मेरे पास। गाइज देख सकते हैं, एक ये मेरे को RPG है शायद, और एक मेरे पास स्नाइपर है, ये गाइज स्नाइपर है और ये RPG है, और एक मेरे पास पिस्टल है। तो गाइज चलिए चलते हैं, मैंने आपको गन तो दिखाई थी कैसी कैसी हैं मेरे पास, और इनका एमओ मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आया हूँ, मेरी गाड़ी में रखा है वो। और गाइज काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो मुझे लगता नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टफ काम है ये। मैंने पहले सुना था न्यूज़ में कि सिक्योरिटी 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में है, और वो सिक्योरिटी पहले ही काफ़ी ज़्यादा आगे से शुरू की है सिक्योरिटी। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा टफ काम होने वाला है, यहीं से लेफ्ट मोड़ना है मुझे। गाइज लेफ्ट साइड जाना था, आगे जाना था मुझे पता नहीं है, गाइज लेफ्ट ही जाना है मुझे, मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ गाइज। और एक तो मैं ऐसी कलर लेके आया हूँ अपनी गाड़ी का, पता नहीं क्या, ये मेरी गाड़ी नहीं है गाइज, मेरे को गाड़ी मिली थी, मैंने चुराई है ये गाड़ी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेके आऊँगा तो मेरा ही नुकसान है उसमें। इस गाड़ी को मैं जब मर्जी छोड़ सकता हूँ गाइज। देख सकते हैं यहाँ पे शायद कार्ड चेक हो रहे हैं, यहीं पर गाइज मुझे बताया गया था कि कार्ड चेक होंगे। थोड़ा सा ऊपर जाके गाइज यहीं पर मोड़ है एक, उस वहीं पर कार्ड चेक होंगे, मुझे ऐसा बताया गया था। जैसा कि देख सकते हैं गाइज ये पुलिस वाले खड़े हैं और कार्ड नहीं दिखाया गाइज मैंने, तो ये मारना, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है गाइज। एक सामने खड़ा है गाइज, देख सकते हैं वो ठीक ठाक ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है इस बार PM के उस सिक्योरिटी में। बिना कार्ड के एंटर हो चुका हूँ, तो मैं पहले अपनी गाड़ी साइड में लगाता हूँ कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं स्पॉट ना हो सकूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे को बताया मारने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कार्ड, एक तो कार्ड नहीं है और ऊपर से मैंने वेपन अपने पिक करके रखे हैं, तो मुझे लगता है कि काम टफ होने वाला है। और मैं यहीं पर गाड़ी खड़ी करता हूँ अपनी साइड में, और स्नाइपर लेके देखता हूँ पहले कि क्या क्या है। गाइस मेरे वो सामने से आ रहा है गाइस, मेरे को लग रहा है, हाँ गाइस सामने से आ रहे हैं, ठीक ठाक से आ गए हैं। मैं RPG निकालता हूँ पहले, ये देख सकते हैं गाइस ठीक ठाक से बंदे आ गए हैं, मेरे ऊपर ही आ गए से 3 बंदों को तो मैंने मार दिया है। देख सकते हैं गाइस लाशें बिछा दी, और एक बंदा मुझे मार रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मार कहाँ से रहा है। मैं पहले अपने स्नाइपर से देखता हूँ कितने बंदे वहाँ पे बचे हैं, पर मुझे लगता नहीं है, सिक्योरिटी छोड़ के आ गए हैं। सारी गाड़ी की सिक्योरिटी तो सारी मेरे पीछे आ गई थी, और बाकी जो भी है PM की सिक्योरिटी बाकी होगी। तो गाइज़ मैं एक बार देख लेता हूँ, एक या दो बंदे बाकी हैं मुझे ऐसा लगता है। तो गाइज़ ये मैंने निकाली अपने स्नाइपर, पुलिस वाली एक गाड़ी वो खड़ी है, और एक बंदा वो खड़ा गाइज इसे टपकाते पहले ले शॉट तू, और एक गाइज़ ये भी लेडीज़ बहुत चल रही है, इसे भी मारो एक शॉट। तो गाइज़ मुझे लगता नहीं कि अब क्लियर है सारा सामान, अब देख सारा सामान तो नहीं गाइज, पर निकलता हूँ जल्दी से फटाक से, और नीचे ही गाड़ी है और मैं गाड़ी से ही जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से भी। स्नाइपर की तो रेंज काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए मैं बच गया थोड़ा सा। तो गाइज़ मैं ये वाली गाड़ी उठाता हूँ सामने जो खड़ी है, और निकलता हूँ जल्दी से। गाइज़ ये लेफ्ट साइड से मारा साइड, राइट साइड से इसे टपकाता हूँ पहले गाइज़, इसने बहुत खराब किया है। अरे ले ले और ले गाइज़, लातों को बहुत बातों से नहीं मानते, मैंने इसे टपका दिया, निकलता हूँ जल्दी से। ये सामने वाली गाड़ी उठाता हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से लिमोजिन, और शायद गोल्डन लिमोजिन है मुझे ऐसा लगता है, और जल्दी से चलता हूँ। और सिक्योरिटी सब सारी ख़त्म हो चुकी है, और PM की सिक्योरिटी होगी केवल अंदर, और जल्दी से गाड़ी ये छोटी गाइज मैंने, और जल्दी से लिमोजिन में बैठता हूँ। एक बार लिमोजिन में बैठ गया उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ हूँ गाइज, देख सकते हैं। स्टार्ट हो जाओ, जल्दी हो जा गाइज, स्टार्ट हो गई लिमोजिन और मैं लेके निकल रहा हूँ। और देख सकते हैं गाइज कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, आगे भी आ रहे हैं ये सिक्योरिटी वाले। और गाइज देख सकते हैं हमारी प्यारी तगड़ी सी लिमोजिन,
ये माओ से लिमोजिन चोरी तो हो चुकी है गाइस, अब इसे छुपाना बहुत ज़्यादा टफ काम है। चोरी करना टफ काम नहीं था, इसे छुपाना टफ काम है, क्योंकि जो ये नॉर्मल लिमोजिन नहीं है, इसमें जीपीएस लगा हुआ है, पीएम की लिमोजिन है ये, तो गाड़ी है बिल्कुल फुल पावर गाइस, और बहुत ज़्यादा रेयर गाड़ी है ये, केवल एक ही है यहाँ पे लॉस एंजेलिस में, केवल एक गाड़ी है ये। तो इसे गाइस पुलिस वाले ने धुआं दे दिया, बिल्कुल धुआं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा 5 स्टार लगी गाइस, कमांडो वाली जो सिक्योरिटी होती है वो आई है। अब लॉस एंजेलिस की जितनी भी पुलिस होती है मुझे लगता है कि मेरे पीछे पड़ गई है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की लिमोजिन बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और ये गोल्डन की है गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रेयर गाड़ी है ये, और इसमें इतनी ज़्यादा पुलिस लगी है मेरे पीछे गाइस, जितने स्टार होते हैं उतने सब लग गए हैं, और इसमें और गाइस ये एक तो ऊपर से वैसे ही ये तोड़े जा रहे हैं, और एक मैंने ठोक दी से, तो गाइस ये रिपेयर तो हो ही जाएगी, पर इसे बचाना बहुत ज़्यादा सेफ करना पड़ेगा मुझे। और इसका सनरूफ वगैरह देख सकते हैं गाइस, कितनी सारी गोलियाँ लगी हैं, जितनी भी इसकी बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ थी वो सारी टूट गई हैं, और गाड़ी थोड़ी बहुत बाकी है, बस इसके टायर बुलेट प्रूफ होने चाहिए, और टायर बुलेट प्रूफ नहीं होते हैं, और एक भी पंचर होता है तो गाइस देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी भी मेरे पीछे लगी है। भागते भागते में खड्ड नाले खेत हर जगह घुसेड़ दी गाइस मैंने लिमोजिन बचने के लिए, पर गाइस ये जितनी सिक्योरिटी है ये मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा। पहले तो मैं लॉस एंजेलिस में जाता हूँ, क्योंकि सोलो सड़क पर चला रहा हूँ, इसलिए ये मेरी जो लोकेशन है वो ट्रैक कर ले रहे हैं, तो मैं लॉस एंजेलिस में जाता हूँ, बीच हाईवे में चलाऊँगा गाड़ी, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बच जाऊँगा, और एक आधी टनल होगी तो मैं वहीं पर नीचे ही खड़ी कर लूँगा। भगाते भगाते काफ़ी दूर आ गया हूँ गाइस, बीच बीच में गाड़ी लगाते रहे, कमांडो वाले तो ऐसे पीछे पागल हो गए हैं बिल्कुल, देख सकते हैं गाइस साइड साइड में लटक लटक के आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, इतनी ज़्यादा एक गाड़ी तो है गाइस, जितनी ज़्यादा सीरियस क्या होना, और पीएम के पास कितना ज़्यादा पैसा होता है तो कुछ भी कर सकता गाइस, एक गाड़ी के लिए इतना पागल हो रखे हैं ये सारे गाइस। भगाते भगाते बहुत देर हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बचना तो नामुमकिन सही है, तो मैं गाइस जल्दी से निकलता हूँ शहर की साइड, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ये मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे, और मैं किसी गली घर में जैसा भी मुझे दिखेगा मैं वैसे डाल दूँगा उसमें। मेरा राइट साइड एक ब्रिज है, इस ब्रिज लेके जाऊंगा मैं, और देख सकते हैं गाइस मुझे लगता है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म की गाड़ी चोरी हो गई है, उन्होंने ट्रैफिक ही खत्म करवा दिया बिल्कुल, ट्रैफिक की एक गाड़ी एक्स्ट्रा नहीं चल रही गाइस, मेरी गाड़ी के पीछे ही लगे हुए हैं सारी सिक्योरिटी, और देख सकते हो कि एक गाड़ी भी नहीं चल रही सड़क पे, तो कोई गाड़ी ही नहीं, ये हाईवे बिल्कुल खाली है, बस मेरी गाड़ी के लिए है गाइस, और बीच बीच में ला ला के ये ठोक रहे हैं, टनल भी बंद कर रखी है इन्होंने, है तेरी भैंस की टांग ले और ले और बीच में लेकर गाड़ी गाइस, ये कमांडो वाले तो नहीं मान रहे हैं गाइस, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब कर दिया गाइस, जब मुझे और पकड़ लिया तो मैं RPG मार दूँगा इनमें दो चार में, मेरे पीछे गाइस कम से कम 5 से 6 गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं भगाते भगाते छोटे से शहर में आ चुका हूँ अब, ऐसा भी गाइस मैं सोच रहा था वैसा बिल्कुल ही उलट है यहाँ पे, और मैं सिंगल सड़क पे और मुझे 2 से 3 गाड़ियों में रोक लिया, तो गाइस मैं तो फंस गया, पर मैं निकालने की जल्दी से कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये साइड साइड में लगाते हैं गाड़ी अपनी, इतने बेवकूफ़ पुलिस वाले तो हैं गाइस, एक गाड़ी को निकाल सकते पर कमांडो बहुत ज़्यादा तेज है, गाइस हमारे आगे तो कमांडो भी नहीं चलेगा, देख सकते हैं लिमोजिन का तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डेंटिंग पेंटिंग भी करानी पड़ेगी, तो गाइस जल्दी से अब इसमें आ गया हूँ, मुझे एक लोकेशन पता है वहाँ पे चलता हूँ, वहाँ पे तो ना कोई ट्रैकिंग हो सकती है गाइस, ना कुछ भी हो सकता है, जल्दी से लेके चलता हूँ। लॉस एंजेलिस की भी सारी सड़कें खाली करा दी हैं, एक गाड़ी भी नहीं गुजर रही है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तो गाइस मैंने पहली बार ही देखी है, चोरी तो मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा की है, पर पीएम की गाड़ी पहली बार चोरी की है, मुझे नहीं पता था गाइस इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो बस गाइस थोड़ी सी ही दूर है मेरा एक सीक्रेट कमरा टाइप, कमरा तो नहीं है गाइस, वो सीक्रेट लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के, वो सीक्रेट तो ज़्यादा नहीं है, पर गाइस देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ उसी लोकेशन पे, यहीं पे गाइस रिवर्स करके गाड़ी लगानी पड़ेगी, लोकेशन तो ज़्यादा सीक्रेट नहीं है, पर गाइस यहाँ पे ढूंढेगा नहीं कोई मुझे इतना पता, क्योंकि ये बड़े बड़े जो होटल हैं यहाँ की पार्किंग को चेक नहीं करता, क्योंकि ये ऐसे ही हैं थोड़े से बंद हो रखे हैं, अभी फ़िलहाल 2-4 ही लोग आते हैं यहाँ पे, तो गाइस मैं अपनी गाड़ी यहीं पे सेफ कर देता हूँ, ये सिक्योरिटी सारी शांत हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से निकलूँगा, अपनी गाड़ी से नहीं निकलूँगा पर यहाँ से निकलूँगा और अपनी गाड़ी यहाँ से सेफ करूँगा, तब तक के लिए गाइज़ मैं यहीं पे रख देता हूँ, और गाड़ी का तो गाइज़ बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है सिक्योरिटी वालों ने, डेंट पेंट बहुत ज़्यादा कराना पड़ेगा, गोल्डन के इतने इतने सारे पार्ट्स इतने स्क्रैच आ गए हैं गाइज़, तो गाइज़ देख सकते हैं कि इस पार्किंग में मुझे लगता नहीं है, यहाँ पार्किंग में केवल स्टाफ ही घूमता है यहाँ पे, जैसे कि पीछे देख सकते हैं, तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर